गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कृत में पाठ 5 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है आचार्य चाणक्य। तो ध्यान से सुनिए, आचार्य चाणक्य मौर्य वंश से संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। तस्य जन्म पाटलिपुत्र जनपद से चढ़े इति ग्रामे अभवत। तस्य पिता चड़कः एकः प्रसिद्ध विद्वान् आसीत्। चाणक्यः बाल्यात् एव प्रतिभाशाली आसीत्। अतः चाणक्यस्य जननी तं पठनार्थं तक्षशिला विश्वविद्यालये प्रेषितवती। यद्यपि चाणक्यः कृष्णवर्णः दीर्घशिखः अतीव कुरूपः च आसीत्, परम गुरुकुले स्व प्रतिभया परिश्रमेण च सर्वेषां मनः अजयत। हिंदी में अनुवाद, आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उनका जन्म पाटलिपुत्र जनपद के चड़े नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चड़क एक प्रसिद्ध विद्वान थे। चाणक्य बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, इसलिए चाणक्य की माता ने उन्हें पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा। यद्यपि चाणक्य काले रंग, लंबी चोटी वाले और कुरूप थे, किंतु गुरुकुल में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उन्होंने सभी का मन जीत लिया। सेकंड पैरा, एकदा मगध राज्य से राजा धनानंदः तस्य अपमानम अक्रोध। राज्ञः अपमानेन चाणक्यः अतिक्रोधः अभवत्। राज्ञः धनानंदस्य च विनाशाय निश्चयम् अकरोत्। एकदा चाणक्यः एकं क्रीडितं बालकम् अपश्यत्। सः तेन बालकेन प्रभावितो अभवत्। तस्य नाम चंद्रगुप्त आसीत्। तस्य बालकस्य मातुनाम मुरा आसीत्। चाणक्यः मुराया अनुमत्या त्वं बालकं तक्षशिलां अनयत्। चाणक्यः तं राजनीतौ युद्धनीतौ दंडनीतौ च निपुणम् अकारयत्। हिंदी में अनुवाद, एक बार मगध के राजा धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। राजा के अपमान से चाणक्य बहुत क्रुद्ध हुए और धनानंद के विनाश का निश्चय किया। एक बार चाणक्य ने खेलते हुए एक बालक को देखा, वे उस बालक से प्रभावित हुए। उसका नाम चंद्रगुप्त था, उसकी माता का नाम मुरा था। चाणक्य मुरा की अनुमति लेकर उस बालक को तक्षशिला ले गए। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध नीति और दंड नीति में निपुण करा दिया। लास्ट पैरा, चाणक्य से सहायता चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद से विनाशे सफल अभवत्। चाणक्य से प्रयासेन विश्वविजयिनः सिकंदरस्य सेनापति सेल्यूकसः अपि चंद्रगुप्तेन पराजितः अभवत्। पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारतस्य नृपः अभवत्। कुशलः राजनीतिज्ञः चाणक्यः राजनीते प्रथमं पुस्तकम् अलिखत्। तस्य पुस्तकस्य नाम अर्थशास्त्रम् अस्ति। अद्यापि देशे विदेशे च राजनीते छात्रा अर्थशास्त्रं पठन्ति। चाणक्यः एकः महान् समाजसेवी देशभक्तः च आसीत्। धन्यः चाणक्यः, धन्या च तस्य देशभक्ति। हिंदी में अनुवाद, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का विनाश करने में सफल हुए। चाणक्य के प्रयास से विश्वविजयी सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त से पराजित हो गया।
बाद में चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत का राजा बना। कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य ने राजनीति की पहली पुस्तक लिखी। उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। आज भी देश और विदेशों में राजनीति के छात्र अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। चाणक्य एक महान समाज सेवी और देशभक्त थे। चाणक्य धन्य हैं और धन्य है उनकी देशभक्ति। तो बच्चों, पार्ट 5 का यह हिंदी में अनुवाद हो गया। इसमें आप लोग शब्द अर्थ कर लीजिएगा। बुक एक्सरसाइज कौन सा कॉपी में करना है वह हम आप लोग को बाद में बताएंगे। धन्यवाद।